ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की ओर से मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय क्या है। हम सभी की उत्सुकता उस विषय को लेकर जागृत है और हम लोग कई सवालों से अपने आप को भरे हुए महसूस करते हैं। जिन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर देशपांडे सर तथा सुशीला मैडम जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट है उनको कि व्हाट्सएप ग्रुप ये इसलिए शुरू किया गया कि बैंकों में काम करते वक्त तकनीक के साथ बहुत सारी समस्याएं हमें आती है, वो हम एक दूसरे से बातचीत करके सुलझा सके, यही हमारा मोटिव था। और आज उस बीज का रूपांतर एक वृक्ष में हो रहा है और आप जैसे लोग हमें सहयोग करते हैं, हमें सहायता करते हैं कि हमारी जो कठिनाइयां आती है उसे हम दूर कर पाए। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर सुशीला मैडम और डॉक्टर देशपांडे सर, मैं उनका परिचय आप लोगों को करवा के देता हूँ। सुशीला मैडम के बारे में यदि कहा जाए तो विदेश मंत्रालय तथा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इन तीन जगहों पर उनको 40 वर्ष अधिक का कार्य का अनुभव है। उसके कारण उन्होंने सेवानिवृत्ति होने के बाद अपने पास जो ज्ञान है उसे लोगों में बांटने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां पर वो बैंकिंग से संबंधित, सरकारी विभागों से संबंधित कोई भी यदि नौकरी का आवेदन आता है या कोई भी जानकारी होती है वहां वो लोगों को अपडेट करते हैं। इवन मैं कहूंगा कि डेटा डेटा साइंस और मशीनरी से भी रिलेटेड कोई अगर उनके पास नॉलेज है तो वो अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसे साझा करती हैं, जिसका नाम है लाइफ स्किल्स इन वन लाइफ स्किल्स ऑल इन वन नामक ये चैनल है मैडम का, तो जरूर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और मैडम इस तरीके से हम सबके ज्ञान वर्धन में एक अपनी भूमिका निभा रही है। मैं अब सुशीला दत्तवानी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके साथ मुझे कार्य करने का भी सौभाग्य मिला है और वो दिन याद करता हूँ जब मैं और मैडम एक ही ब्रांच में थे। मेरा ये सौभाग्य है मैडम कि आप ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की यूट्यूब चैनल पे आई हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो क्लरिकल के का जो जॉइंट नोट है उस पर प्रकाश डालें। थैंक यू खालिद जी, कैसे हैं आप सब? आप सबको दिवाली की ढेर सारी बधाई। तो 11th बाइपार्टाइट के विषय में ऑफिसर्स का तो देशपांडे जी ने सारा बता दिया है, अब मैं क्लरिकल के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं, जैसा कि देशपांडे जी ने बताया, ये इंक्रीज इन वेज बिल था 3385 करोड़ पर ईयर, और इसमें हमारे 29 बैंक्स कवर्ड थे, जिसमें 12 PSB, 10 प्राइवेट बैंक्स और 7 फॉरेन बैंक्स थे। और हमारे जो अवार्ड स्टाफ है 5 लाख से ज्यादा अवार्ड स्टाफ इसमें बेनिफिट ले पाएंगे, और ये हमारा सेटलमेंट नवंबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2022 तक होगा। फर्स्ट टाइम ये यूनिक हुआ है अवार्ड स्टाफ में यूनिफॉर्म बेसिक पे है सबका, DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा, ऑल ओवर इंडिया सब एक साथ एक जैसा है। ऑफिसर स्टाफ में ऐसा नहीं है, उसमें HRA 9, 8 और 7% रहा, लेकिन क्लरिकल स्टाफ में ये 10.25% एक जैसा कर दिया। ऑफिसर स्टाफ का तो देश पांडे जी ने सब कुछ बता ही दिया, जैसे उसमें लर्निंग आपको अलाउंस मिला और लोकेशनल अलाउंस भी मिला, इसमें ऐसा क्लरिकल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको पे स्केल के बारे में सबसे पहले बताती हूँ, जो कि ग्रेजुएट अगर ज्वाइन करता है, वैसे ये पे स्केल शुरू हो रहे हैं 17,900 से अगर कोई ग्रेजुएट ज्वाइन करता है, और वैसे आजकल सब ग्रेजुएट ही होते हैं जब ज्वाइन करते हैं, तो ये 19,900 से शुरू होगा। तो 17,900 में 1,000 की 3 इंक्रीमेंट है, फिर 1,230 की 3, ऐसे ही 1,490 की 4, ऐसे करते करते 20 साल तक ये 47,920 पे पहुंच जाता है। इसी तरह सब स्टाफ का जो स्केल शुरू हो रहा है वो 14,500 से शुरू होकर 28,145 तक जाएगा, और इन दोनों में ही जो स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स हैं वो 9 हैं, 9, और ये एवरी अल्टरनेट ईयर पे मिलेंगी, मींस एवरी सेकेंड ईयर 2 साल के बाद ये आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। क्लरिकल में ये 1,990 रुपए की है और सब स्टाफ में ये 1,000 रुपए की है। इसके बाद आता है स्पेशल पे,
स्पेशल पे जैसे सिंगल विंडो ऑपरेटर में स्पेशल पे है एग्जिस्टिंग 820 थी, अब ये 11th बाइपार्टाइट में बढ़ के 1250 हो गई। ऐसे ही हेड कैशियर का कुछ अलाउंस होता है अलग से, वो 1280 था, वो बढ़ के 1940 हो गया है। और स्पेशल असिस्टेंट जो है उनका 1930 एग्जिस्टिंग से 2920 हो गया, 2920। और ऐसे ही सुबॉर्डिनेट स्टाफ का आर्म्ड गार्ड है, इसमें भी बढ़ा है, जैसे 390 से 590 हो गया। बिल कलेक्टर है, उसका 390 से 590 हो गया। इस तरह हेड पियन, इलेक्ट्रीशियन, एसी प्लांट ऑपरेटर, ड्राइवर, इन सबका बढ़ के बढ़ गया है। और हेड मैसेंजर इन आईओबी, इसका 1630 था, ये 2470 हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पीक्यूपी की। ये जब हमारा जीआईबी से एक इंक्रीमेंट और सीआईबी से हमें दो इंक्रीमेंट मिलती है क्लरिकल स्टाफ में, जब भी हम इसको पास कर लेते हैं, ये आईआईबीएफ की तरफ से कंडक्ट होता है एग्जाम। अगर ये आप सीलिंग पे पहुंच जाते हैं स्केल की, उसके बाद आपको 1 ईयर आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम जो स्केल आप पहुंच जाते हैं उसमें पीक्यूपी मिलती है। ये एग्जिस्टिंग 410 रुपए थी, अब ये 11th बीपीएस में बढ़ के 625 हो गई है। और आफ्टर सेकेंड ईयर ये 800 रुपए से बढ़कर 1215 हो गई है। और 3 साल के बाद ये 1210 थी पहले, वो 1835 हो गई। ऐसे ही 4 साल में 1620 से ये 2455 हो गई है। और 5 साल में 2010 से बढ़कर 3045 हो गई है। तो इस तरह हमारा पीक्यूपी भी बढ़ गया है। और इन सबके ऊपर डीए भी होता है, इन सबके ऊपर डीए जो है वो हमारा वही 0.07% के हिसाब से मिलेगा। अब बात करते हैं हम एफपीपी की। ये सारे सेंटर्स में सेम कर दिया है, इसका इंक्रीमेंट कंपोनेंट एफपीपी का 1990 है और सबॉर्डिनेट स्टाफ का 1000 रुपए है। अब हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की। जैसा कि देश पांडे जी ने बताया, ये 6352 पॉइंट्स जो है ये बेसिक में मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद 0.7% पर स्लैब ऑफ 4 पॉइंट्स ओवर 6352 पॉइंट्स, ये हमारा इसके बेसिक के ऊपर हमें ये डीए मिलेगा, जो नवंबर में 23.80% है। अब स्पेशल अलाउंस की बात करते हैं। ये पहले तो था ही नहीं, 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले हमें स्पेशल अलाउंस नहीं मिला करता था। बेसिक में इंक्रीज होती थी अच्छी 6% के करीब, अब ये स्पेशल अलाउंस हमें जो है 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ये 7.75% था, जो कि अब बढ़कर 16.4% हो गया है, 16.4% ऑफ बेसिक। और डीए इज पेबल ऑन स्पेशल अलाउंस ऑल्सो। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये पहले 475 रुपए होता था, अब ये 600 रुपए हो गया है, लेकिन इस पे डीए नहीं मिलता था, अब इस पे भी डीए पेबल है, डीए इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरह हमारा तो ये पे कंपोनेंट बन गया है। और एचआरए की हम जब बात करते हैं, वो हमारा 10.25% है, ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, 45 लाख से ज्यादा है वहाँ की पॉपुलेशन, कम है या कैसा है। वन पे वन नेशन वन सैलरी, ये उनका लोगो रहा था हमारा। अब हम बात करते हैं जो और नॉन फाइनेंशियल इश्यूज है, इसमें लीव रूल्स में भी आता है, लीव रूल्स है, पीएलआई है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है। लीव रूल्स में कुछ चेंजेस आई हैं जो ऑफिसर और अवार्ड स्टाफ के लिए लगभग सेम है। साल की 12 CL तो मिलती ही है, 4 CL हमारी और ऐड हुई है फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, मींस ये हमारी सीएल 16 हो जाएंगी। इसमें मेरे पास क्वेरी थी कि इसमें आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं इस लीव को और आप इसको ले सकते हैं। और फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 2020 पीएल कैन बी एनकैश्ड एवरी ईयर, 5 PL आप हर साल एनकैश करवा सकते हैं किसी भी फेस्टिवल पर, ये आपकी अपनी चॉइस है। और यह फिगर बढ़कर 7 हो जाती है, 7 अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है या 55 साल है, मतलब 55 ईयर्स के बाद
एज के बाद आप 7 PL अपनी इन कैश कर सकते हैं अपनी चॉइस पे, और बियॉन्ड 30 ईयर्स ऑफ सर्विस एडिशनल सिक लीव विल बी ग्रांटेड एट 1 मंथ, जो कि 720 हो जाएंगी बढ़ के, पहले ये 630 थी। पहले आप 30 साल के बाद सिर्फ 3 साल तक एक एक महीने की छुट्टी मिलती थी, अब 1 महीना और बढ़ जाएगी तो ये 720 हो जाएंगी, और ये हाफ पे पर है। और वुमेन एम्प्लॉयज के लिए तो सिक लीव ले सकते हैं अगर उसका बच्चा बीमार है और वो 8 साल से छोटा होना चाहिए, जैसा देशपांडे जी ने भी बताया, ये अवार्ड स्टाफ में भी है, तो वो अपनी सिक लीव अवेल कर सकती हैं बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर। अब बात करते हैं मेटर्निटी लीव की, उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं किसी भी तरह की लीव के साथ, जो पहले पॉसिबल नहीं था। अगर आपने पहले मेटर्निटी लीव ली तो आपको एक दिन आकर ज्वाइन करना पड़ता था, उसके बाद आप और छुट्टी ले सकते थे। अब आप ये पीएल या मेडिकल लीव के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपके ट्विंस बेबी हुए हैं तो यह लीव बढ़कर 8 महीने हो जाती है, ऑफ कोर्स विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ मेटर्निटी लीव ऑफ 12 मंथ्स, जो कि पूरे करियर में, पूरे सर्विस में आप 12 महीने की छुट्टी मिलती है आपको, उसमें 8 महीने आप एक ही बारी में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की, और ये जैसा कि देश पांडे जी ने बताया, ये बिल्कुल वैसे ही है, हर एम्प्लॉय को मिलेगा और ये ऑपरेटिव प्रॉफिट के साथ लिंक है। और LFC है, अब उसमें भी किलोमीटर बढ़ गए हैं, पहले 2000 और 4000 किलोमीटर तक आप ले सकते थे, अब वो 2200 और 4400 किलोमीटर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर इन ए बैंक, तो उसकी सैलरी क्या रहेगी। ऑफिसर की सैलरी मैं आपको बताती हूँ, जैसे बेसिक 36,000 है, इस पे स्पेशल अलाउंस 16.4% और लर्निंग अलाउंस है 600 रुपये, और स्पेशल अलाउंस हमारा बनता है 5904, और ये 600 रुपये पे भी हमें डीए मिलेगा। इन सब पे 0.07% के हिसाब से डीए प्लस सीसीए 1400 रुपये हो गया, और एचआरए मैं 9% ले लेती हूँ, ये सिटी के हिसाब से है, तो ये बन जाएगा 3240। तो हमारी ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग रहती है 57,260, 57260, और एनपीएस बैंक का कंट्रीब्यूशन जैसा कि बताया गया 14% है, तो ये बैठता है 6240। तो हमारी ग्रॉस सैलरी बन गई 63500। तो ये एक बड़ी रिस्पेक्टेबल सी सैलरी नजर आ रही है। इसके ऊपर आपको लीज भी मिलती है अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं, अगर आपको लीज चाहिए, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, 20,000 स्केल वन में मिनिमम तो शायद मिलती ही है आप। और अब हम फैमिली पेंशन की बात करें, इसमें 30% की बढ़ोतरी की गई है विदाउट एनी कैप, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब नॉन फाइनेंशियल इश्यूज जैसे हमारी पेंशन अपडेशन, इसके लिए भी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है, और 5 डेज वीक की भी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और नॉर्थ ईस्ट अलाउंस फॉर ऑल ऑफिसर्स ये भी बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या मैं अब आपको बताऊं क्लरिकल का पे कंपोनेंट किस तरह रहेगा। पे स्केल है 17,900 से शुरू है, अगर हम इसकी 2 इंक्रीमेंट लगा देते हैं तो ये 19,900 हो जाता है, तो मैं 17,900 से शुरू होकर ये 65,830 तक पहुंचता है। इसमें 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स हैं जो एवरी अल्टरनेट ईयर पे मिलेंगी, और सब स्टाफ का पे स्केल 14,500 से शुरू होकर 37,145 तक जाता है। तो फॉर क्लरिकल स्टाफ स्पेशल पे ये सारा मैंने बता ही दिया आपको, 820 से बढ़कर 1250 हो गया, FPP, ये सारा डिटेल में मैंने बता दिया है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको क्लरिकल की सैलरी बताती हूँ, 19,900 हम ले लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही हम सपोज करें कि किसी ने ज्वाइन करा है, और स्पेशल अलाउंस उसका 16.4%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600, इन सब पे डीए मिलेगा, और एचआरए 10.25%, तो ये सैलरी टोटल बन जाती है 31,460 रुपये, और इसमें एनपीएस अगर हम जोड़ देते हैं 2460 प्लस एनपीएस बैंक का कंट्रीब्यूशन 3450,
तो ये टोटल सैलरी बन जाती है 28,900 अप्रोक्सीमेटली। इसमें एनपीएस तो 10% तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 14% बैंक का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो पहले 10% था। इसी तरह सब स्टाफ को जो नया रिक्रूट होता है, फ्रेश, पहली सैलरी मिलेगी 14,500 प्लस 2,378 स्पेशल अलाउंस हो जाएगा, वही 16.4%, और एचआरए 10.25%, ये 1,486 रुपये बैठता है, और इनके ऊपर डीए 3,451 और स्पेशल अलाउंस पे 566। ये सारा हम टोटल करके देखते हैं तो हमारी सैलरी बनती है 23,124, और इसमें 14% एनपीएस बैंक का कंट्रीब्यूशन जोड़ दें 2,030, तो ग्रॉस हमारा सैलरी बन जाती है 25,154। तो फ्रेंड्स, बाकी डिटेल तो देश पांडे जी ने बता ही दी है, अगर आपको कोई इसमें और क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक मैडम यू। मैडम, अगर आपके पास ऑफिसर्स का भी सैलरी चार्ट हो कि जैसे स्केल वन में कितने से कितने तक जाएगा बेसिक मैक्सिमम, पर हाँ स्केल टू थ्री फोर फाइव तक मैक्सिमम विजुअली इम्पेयर्ड हमारे हैं, तो फाइव तक का प्लीज बता दीजिए एक बार। वो किसी का क्वेश्चन था तो वो आंसर भी उनको मिल जाएगा कि मैक्सिमम कितना जाएगा मैक्सिमम स्केल। मैं बता देता हूँ, छत्तीस बिल्कुल हजार बिल्कुल। से शुरू होकर हाँ मैं एक बता देता लाख हूँ, हाँ ठीक है मैं बता बताइए। देता हूँ, हाँ सर जी बता बताइए। रहे हैं। अब पुराना बेसिक 23,700 था, दैट विल बिकम 36,000, ठीक है। यस सर, हाँ, उसपे डीए आ जाएगा 24.8% से 10,115 रुपये 95 पैसा, 10,115 पकड़ लीजिए। सीसीए हायर पकड़ लिया तो 1,400 रुपया, लोअर पकड़ लिया तो 1,150 रुपया, एचआरए 9% से 3,240 आ जाता है। हाँ 9% से मैडम ने बता दिया, बत्तीस हाँ सौ चालीस वो ऐड कर लीजिए हाँ बेचारे। तो टोटल 57,260 बन जाती है सैलरी। लर्निंग अलाउंस 600 हाँ वो लिख लिया। और 5,904 डीए, हाँ ये जी स्पेशल पांच अलाउंस, हजार 900 हाँ जी स्पेशल स्पेशल अलाउंस पे। अलाउंस, हाँ तो जी ये रफली 57-58 हज़ार हो जाएगा। हो जाती है। हाँ इसमें और हम एनपीएस का बैंक 14%, उसमें कंट्रीब्यूशन यदि जोड़ करोगे दें और तो बढ़ाओगे वो 6,240 है, 6,240। 30,40, तो रफली 64, 6 मैडम कितना आ गया, 58, 63,500। 66, रफली 64,000 हो गया वो। हाँ रफली से, और इस पे लीज वगैरह भी अलग लेनी हो तो एचआरए कम हो जाएगा। ओके सर, यस सर, खाली यस सर, जी। हाँ जी सर। मैं सर, एक्चुअली मेरी क्वेरी थोड़ी सी अलग थी। मैं ये जानना चाह रहा था हाँ कि जैसे मैडम बेसिक का बता रही थी, क्लरिकल में यहाँ से स्टार्ट होके इतने तक सैलरी मैक्सिमम जाएगी। मैडम आपने कुछ 67,000 समथिंग कुछ बताया था ना क्लरिकल का, बेसिक बता रहा, 47,000 तक, 17,900 से लेके आप कुछ बता रहे थे, वो फोर्टी भी सैवन 47,920 तक थी, और स्टैग्नेशन मिला लो तो 6,583,000 तक हो जाती है। हाँ। मैं यही चीज मैं ऑफिस हाँ और वो, ऑफिसर की 36,000 से लेकर 1,39,000 तक स्केल जाता है, अच्छा अरे उसमें 1 to 7 तक सारा सबके हैं इसमें स्केल। सबके सेम है, ओके हाँ ओके सेम मैक्सिमम। स्केल जाते हैं। हाँ जी, नहीं अप टू स्केल 4 एंड स्केल 3 का जो है मैक्सिमम बेसिक अभी जो है 58,790 है, और इसका मिनिमम है 2,300। मैं बताऊं क्या, नए मेरे नए पास बेसिक आ में गया वो हो चार्ट, आ गया जाएगा, मेरे नए पास। बेसिक में 36,700 हाँ इसमें चौदह वो सौ नब्बे जाएगा। की 7 इंक्रीमेंट लगेंगी हाँ, और और आ जाएगा मैक्सिमम छियालीस होगा हजार चार सौ 89 तीस 89,330 मैक्सिमम बेसिक। तो ये 89,330 का मैक्सिमम सैलरी हो जाएगा 1,36,000, 1,36,000। खालिद जी। और हाँ जी, हाँ जी मैडम, सर सर बता रहे, एक सेकेंड हाँ, सर। और इसका हो जाएगा 56,000, 56,000 से 136 तक आ जाएगा, ठीक है, 136,873 मैक्सिमम। दिस इज करंट वन सैलरी आई एम टेलिंग यू।
सर स्केल बिल्कुल 5 का शुरू हो रहा है, 89890 से स्केल शुरू हो रहा है, स्केल 5 का। जी और 1,350,000 तक जा रहा है। हाँ 1,350,000 तक। ओके जी, ऐसे ही स्केल 6 का 1,04,240 से शुरू होकर 1,16,120 तक है, 2,970 आई विल की शेयर दिस चार चार्ट इंक्रीमेंट विद है। निशान, निशान का नंबर है मेरे पास, आई विल शेयर दिस चार्ट विद निशान, निशान आपके ग्रुप में डाल देगा, कोई इशू नहीं। जी, इसकी हाँ फोटो डाल दी। निशान चलेगा ना? हाँ सर, हाँ कोई इशू नहीं सर। सर और मैडम आप दोनों से एक क्वेश्चन, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि स्केल 1 में कितने कितने के इंक्रीमेंट लगेंगे, 2 में कितने कितने के लगेंगे, 3 में कितने कितने लगेंगे, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें आप लोग, और क्लैरिकल और सब स्टाफ का भी डाल दें। हाँ, स्केल 1 में 36,000 से शुरू होगा, फिर 1,490 की 7 इंक्रीमेंट है, 7, तो जी फिर हो जाएगा 46,430। फिर उसके जी बाद 2 इंक्रीमेंट 1,740 की है, तो स्केल हो जाएगा 49,910। जी जी और उसके बाद स्टेगनेशन है 1,990 रुपए की, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट 1,990 की। इस तरह अब स्केल 2 में 48,170 से स्केल शुरू होगा और 1,740 की एक इंक्रीमेंट है, 1,740 की इंक्रीमेंट लग के ये 49,910 तक पहुंच जाएगा, और फिर 1,990 की 10 इंक्रीमेंट है, ठीक है जी, ये 69,810 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह स्केल 3 की 63,840 से शुरू है, 1,990 की 5 इंक्रीमेंट है, और ये हो जाएगा 73,790। उसके बाद 2 इंक्रीमेंट 2,220 रुपए की है, तो स्केल पहुंच जाएगा 78,230, ये सीलिंग आ जाएगी। इसके बाद स्टेगनेशन शुरू हो जाएगी। इसी तरह स्केल 4 में 76,010 रुपए से शुरू होकर 2,220 की 4 इंक्रीमेंट है और 84,890 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 2,500 की 2 इंक्रीमेंट है और ये स्केल पहुंच जाएगा 89,890 तक। और स्केल 5 में 89,890 से शुरू होगा, 2,500 की 2 इंक्रीमेंट, ये पहुंच जाएगा 94,890। उसके बाद 2,730 की 2 इंक्रीमेंट, 1,350 तक पहुंच जाएगा। स्केल 6 का जी 1,04,240, 2,970 की 4 इंक्रीमेंट है बस, फिर इसमें आ जाएगा 1,16,120। और स्केल 7 1,16,120 से शुरू है और 3,220 की 4 इंक्रीमेंट और पहुंच जाएगा 1,29,000। थैंक यू सो मच मैडम। अभी मैं चाहूंगा कि कोई, जो मैडम ने बताया है हम लोगों को क्लरिकल की सैलरी से लेकर के, कोई अगर टीम से कोई क्वेश्चन हो यूट्यूब से या टीम से तो अपना क्वेश्चन रखते हैं। आप बाद में भी YouTube पर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई कर सकते हैं बाद में भी, अगर अभी नहीं ध्यान में आ रहा तो हम बाद में भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं। श्योर श्योर। क्लियरिकल से रिगार्डिंग YouTube पर तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है। एक नहीं क्वेश्चन है क्लर्क का, उनका पर सैलरी के रिगार्डिंग नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतने पूछा है कि जो आप रेंट लेते हैं ना हम ऑफिसर्स, तो क्या क्लर्क के लिए भी रेंट की कोई फैसिलिटी आई है क्या, हाउस रेंट की? नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है, उनको तो डायरेक्ट वही 10.25% HRA ही मिलेगा। ओके एंड मैम डीए इज एप्लीकेबल ऑन एचआरए आल्सो? नो नहीं, नो नो, ओके दैट इज ओनली ओके बेसिक का 9.10.25% है HRA, उसके ऊपर डीए नहीं है। ओके हाँ एक क्वेश्चन और है कि जो पीएल इनकेशमेंट हम कराएंगे तो हाँ वो स्टार्टिंग कौन से ईयर से हो रहा है? कैलेंडर ईयर करंट इसी सर। इसी साल से है, आप अभी भी करवा सकते हैं, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं, आप हाँ उल्टा इतने करवा नहीं लीजिए। इस हाँ साल जी, से ही है ना, मतलब जैसे लास्ट 2017 से स्टार्ट नहीं है ना, मतलब नहीं वो नहीं जैसे है, नहीं, वो अभी ओके सही है, 20 से है, मैडम 2020 से। मेडिकल से रिलेटेड एक क्वेरी है, जो मेडिकल अलाउंस बढ़ा है वो कब से लागू होने वाला है? बड़े बढ़त वो आपको एरियर भी मिलेगा, आप 17 का भी सत्रह ले सकते हैं, जैसे से 2,200 से लेकर 2,350 हुआ है, तो वो आप डिफरेंस 17 का भी ले सकते हैं, 18 का भी, 19 का भी,
और 20 का भी। एलएफसी के बारे में एक मैम पूछ रही थी कि उन्होंने जुलाई 2020 में एलएफसी लिया है, तो क्या वो अरियर क्लेम कर सकती है या नहीं कर नो सकती? नो नो वो तो एक्चुअल होता है एलएफसी, तो जो ले लिया वो नहीं क्लेम होगा। ठीक। थैंक यू सो मच सुशीला मैडम। और सुशीला मैडम बहुत क्लियर चार्ट्स लेकर आई और जिस तरीके से उन्होंने पूरा क्लरिकल की एक आगा खींच दिया, ऐसा लगा कि जैसे कोई नक्शा पूरा प्यार से खींच रहा है, समझा रहा है। उनका जो वात्सल्य निकल रहा था मैडम, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि सभी को महसूस हो रहा था आपका वात्सल्य। आप आई, आपने समय दिया और आपने जिस प्यार भरे शब्दों से चीजों को बढ़ाया, उसके लिए हम सब बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं।